धान खरीदी का रिकॉर्ड। अब तक 133 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हुई है। पिछले साल की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदा गया है धान। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अभी दो दिन और बाकी हैं। 3.5 लाख मीट्रिक टन रोजाना धान की हो रही है खरीदारी। 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रखा गया था लक्ष्य, लेकिन अब ये लक्ष्य पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, ये बड़ी खुशखबरी के तौर पर भी देखा जाए, चूंकि जो लक्ष्य रखा गया था लगभग उसे छूता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह से बंपर धान खरीदी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप किसान इसे, क्योंकि बड़ी नाराजगी देखी गई है हमेशा से किसानों द्वारा, लेकिन अब किस हद तक वो नाराजगी को दूर करने में ये कामयाब सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी और लगभग 2.5 महीने का वक्त बीतने जा रहा है, चूँकि अब रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। इसके साथ ही लगातार इस बार बात करें तो प्रदेश में 133.88 लाख धान खरीदी हुई है, मतलब 27 लाख मैट्रिक टन से भी ज़्यादा की धान खरीदी इस बार छत्तीसगढ़ में हुई है। इसके साथ ही दो दिन का वक्त शेष बचा है, आज यानी कि 1 फरवरी तक आखिरी है धान खरीदी की डेट। इसके बाद धान खरीदी का जो दिनांक है वो तो पूरी तरीके से तिथि समाप्त हो जाएगी। और वहीं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी पिछले दिनों दिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उनका बयान आया था और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका बयान आया था कि धान खरीदी की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। और इस पर क्रेडिट को लेकर भी लगातार सियासत तेज हुई थी कि हमने जो है व्यवस्थाएं की थी, कांग्रेस के बयान था कि कांग्रेस के समय पे ही जो है व्यवस्थाएं हो गई थी। और बिल्कुल, और कई हद तक वो नाराजगी दूर होती हुई नजर भी आ रही है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका। तमाम